हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 4 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा ईजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। आप इजीली जो दोस्तों 80+ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 4 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपका एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वकाटक वंश के जो है संस्थापक कौन थे। तो देखिए, संस्थापक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे, कल भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था और आज भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, वकाटक वंश के जो संस्थापक थे ये जो है विद्य शक्ति थे। तो विद्य शक्ति जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि आरटीजीएस के माध्यम से जो हस्तांतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी होती है। तो देखिए, बैंकों में जो आरटीजीएस होता है उसके माध्यम से जो हस्तांतरित की जाने वाली जो न्यूनतम राशि होता है वो 2 लाख का होता है। तो 2 लाख जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो केमिकल नेम होता है वो जिप्सम होता है। तो जिप्सम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, तो ये मॉलिकुलर फार्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि हर्यक वंश का जो है प्रथम शासक कौन था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर्यक वंश की जो स्थापना की गई थी ये 544 ईसा पूर्व में किया गया था। और ये जो है किसके द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था हर्यक वंश का, तो बिंबिसार के द्वारा किया गया था। तो बिंबिसार जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था ये नाग दशक था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये कौन करता है। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि हाल ही में जो BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, BCCI के जो अध्यक्ष बने हैं ये सौरभ गांगुली बने हैं। तो सौरभ गांगुली जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। बात कर ले दोस्तों कि BCCI के CEO कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो वर्तमान में जो BCCI के CEO हैं वो राहुल जोहरी हैं। तो ये भी आपको याद रखना, हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट बात करें BCCI के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो BCCI के जो वाइस प्रेसिडेंट है ये महिम वर्मा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ICC के चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में जो ICC के चेयरमैन है ये शशांक मनोहर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों यहाँ पर कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसको भारत का वयोवृद्ध पुरुष हिंदी में कहा जाता है, ये जो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। तो देखिए, ये जो आपका कल थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, तो भूटान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये लोटे टेसरिंग है। ठीक है, तो लोटे टेसरिंग जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्य में जो है आपातकाल लगाने हेतु किससे जो है सलाह लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य में जब आपातकाल लगाते हैं तो ये जो है राज्यपाल से सलाह लेते हैं। तो राज्यपाल जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री को जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो वर्णित है ये आपका अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 75 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ये कितने दिनों का होता है, तो देखिए वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में भारत के वित्त आयोग कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो भारत के वित्त आयोग है ये NK सिंह है जो कि 15वें वित्त आयोग हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इनका जो कार्यकाल है ये 2020 से 25 तक है, क्योंकि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, तो 2020 से 25 तक जो NK सिंह का कार्यकाल है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर YB रेड्डी थे, जिनका जो कार्यकाल रहा था वो 2015 से 20 तक रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि ल्यूसीफर जो है ये किस ग्रह का नाम है, तो देखिए ल्यूसीफर जो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और ये जो है शुक्र यानी वेनस ग्रह का नाम है, तो वेनस जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि गुरुमुखी लिपि जो है ये किस सिख गुरु के द्वारा जो है शुरू की गई है, तो देखिए गुरुमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो गुरु अंगद जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि गुरु अंगद जो थे वो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए आगे के शिफ्टों में कि सिख धर्म के दूसरे गुरु का नाम क्या है, तो गुरु अंगद है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे ये गुरु नानक थे, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और अपने बाद जो है गुरु अंगद को जो है उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता दोस्तों कि यांगतजी नदी जो है कि यांगतजी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो देखिए ये जो यांगतजी नदी है ये आपका चीन में है, तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा इन चारों में से वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यांगतजी नदी के किनारे जो यही सब शहर जो है वो बसे हुए हैं। और आपको बता दें दोस्तों इसके बारे में एक रियल फैक्ट कि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो ये तीसरा सबसे बड़ा नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, तो विष्णुगुप्त जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले गुप्त वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम भी आपको याद रखना है कि श्री गुप्त था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए व्हाट हैपेंड पुस्तक के जो लेखक हैं ये हिलेरी क्लिंटन है, तो हिलेरी क्लिंटन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता दोस्तों कि महाबलेश्वर से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो देखिए महाबलेश्वर से जो टोटल आपका 5 नदी निकलता है, ठीक है, कौन कौन सा, कृष्णा नदी, सावित्री नदी, कोयना नदी, वेना नदी और गायत्री नदी, ठीक है, तो आई थिंक आपके ऑप्शन में जो है कृष्णा नदी दिया हुआ था, तो कृष्णा जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि किसके शासनकाल में जो है चीनी यात्री हेनसोंग जो है ये भारत की यात्रा किए थे, तो देखिए ये जो हेनसोंग थे जो कि चीनी यात्री थे ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे, तो हर्षवर्धन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हर्षवर्धन जो ये किस वंश के शासक हैं, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश के शासक थे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सार्क देशों का जो है सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसमें जो है टोटल 8 देशों के सदस्य होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया, ठीक है, तो 8 देश कौन कौन से होते हैं, तो अफगानिस्तान होता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, तो इसमें से आपका जो भी 8 देशों में से इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
तो ये भी आपको याद रखना है कि सर का जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एक अश्व शक्ति जो है ये कितने वाट का होता है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट का होता है, तो 746 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। तो जितने क्वेश्चंस मुझे मिले दोस्तों, मैं आपसे 100% और जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।